मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 जो था, जिसको हमने समझा था, उसका नाम था द रेड ट्रैप। और ये जो चैप्टर है द रेड ट्रैप यानी चूहे दानी, इसके हम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, From where did the peddler get the idea of the world being a rat trap? अर्थात जो फेरी वाला था, वो क्या बना के बेचा करता था? चूहे दानियां बना के बेचा करता था। तो उस फेरी वाले को कहाँ से ये आइडिया आया कि ये जो पूरा विश्व है, जो पूरी दुनिया है, वो कैसी है? एक चूहे दाने की तरह है। आंसर देखें। The peddler had been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by the idea that the whole world was nothing but a big trap. अब जो big rat trap, जो पेडलर था, जो फेरी वाला था, वो क्या था? वो सोच रहा था चूहे दानियों के विषय में। तभी उसके मन में एक ऐसा आइडिया आया कि उसको ये लगा कि ये जो दुनिया है, पूरा ये जो वर्ल्ड है, ये एक बहुत बड़ी सी चूहे दानी से घिरा हुआ है। इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बेट्स फॉर पीपल। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing in the same manner as the rat trap offered cheese and pork. अब उसको ऐसा आइडिया कहाँ से आया? उसने कहा कि ये जो पूरा विश्व है, एक बहुत बड़ी चूहे दानी की तरह है। यहाँ पर लोगों को लालच देने के लिए दाने डाले जाते हैं, फंसाया जाता है। कैसे? कि कुछ लोग अमीरी के लालच में फंसते हैं, कुछ आनंद प्राप्ति के लिए फंसते हैं, कुछ शरण के लिए, कुछ अच्छे खाने के लिए, कुछ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कुछ कपड़ों के लिए। और इस सब चीज़ों को पूरी ये जो दुनिया है, ये इस प्रकार से ऑफर करती है जैसे किसी चूहे को फंसाने के लिए हम क्या करते हैं, चूहे दानी में चीज़ का टुकड़ा या सुअर का मांस, पोर्क कहलाता है, उसको फंसाया जाता है, जिसकी लालच से चूहा अंदर एंटर करता है। As soon as someone let himself to be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. अब यहाँ बोलता है कि जैसे ही लोग यहाँ पर लालची होते हैं, आकर्षित होते हैं उस दाने को चुनने के लिए या अपनी उस अभिलाषा इच्छा पूर्ति को पाने के लिए, वैसे ही ये उस बड़ी चूहे दाने के अंदर पैक हो जाते हैं और यहाँ पर आकर के उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। Why was he amused by this idea? अब इस आइडिया की, ये वर्ल्ड जो है बहुत बड़ी चूहे दानी है, ये उसको क्या करता था? बहुत आनंदित करता था। तो क्यों आनंदित करता था? उसको ये आनंद क्यों आता था सोच करके कि जैसे मैं चूहे दानियां बेच रहा हूँ, वैसे ही ये जो पूरा विश्व है कैसा है? बड़ी चूहे दानी के समान है। आंसर। His own life was sad and monotonous. He walked laboriously from place to place. The world had never been kind to him, so during his gloomy ploddings, this idea became his favorite pastime. He was amused how people let themselves be caught in the dangerous snare and how others will still circling around the bait. अब यहाँ पर इसका जो खुद की लाइफ थी, किसकी? ये फेरी वाले की। खुद की लाइफ बहुत उदास थी और मोनोटोनस, मतलब बहुत नीरस थी, एक रस हो चुकी थी, मतलब एक सी जिंदगी उसको जीना पड़ रही थी। वो बहुत ज़्यादा मेहनत से यहाँ वहाँ जाता था, जगह से जगह, और अपनी चूहे दानियाँ बेचा करता था। और ये जो दुनिया के लोग थे, वो उसके प्रति दयालु बिल्कुल नहीं थे। तो उसका ये एक बहुत जो आइडिया था, एक बहुत फेवरेट पास टाइम बन गया था कि वो इसी के विषय में सोचा करता था कि ये जो लोग हैं, मैं तो चूहे दानियाँ बेच रहा हूँ, लेकिन ये जो दुनिया के लोग हैं, ये भी किसी बहुत बड़ी चूहे दानी में फंसते रहते हैं या फंसने वाले हैं। वो इस चीज़ से भी आनंदित होता था कि कैसे लोग अपने आप को लालच और इसमें फंसा करके अपने आप को चूहे दानी के अंदर पैक कर लेते हैं, और किस प्रकार से कुछ दूसरे लोग भी दाना चुनने की प्रतीक्षा में बैठे हैं कि अगर उनमें लालच का दाना चुनने की इच्छा हो गई तो वो कैसे उस चूहेदानी में फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्राफ्टर? अब जो चूहेदानी बेचने वाला है, वो कहाँ जाता है? एक किसान क्राफ्टर के घर पे जाता है। तो उसने क्या एक्सपेक्ट किया था कि ये जो किसान है छोटा मोटा, ये उसको शरण देगा या उसके साथ एक मेहमान नवाजी करेगा?
तो अपन देखते हैं आंसर, द क्राफ्टर सर्व्ड हिम पॉरेज फॉर सपर एंड टोबैको फॉर हिज पाइप, ही ऑल्सो प्लेड अ गेम ऑफ कार्ड्स विथ हिम टिल बेड टाइम, दिस हॉस्पिटैलिटी वॉज अनएक्सपेक्टेड एज पीपल यूजली मेड सोर फेसेस व्हेन द पेडलर आस्क्ड फॉर शेल्टर। अब यहाँ पर जो पेडलर है वो किसान के पास क्या मांगने जाता है, शरण मांगने जाता है एक रात रुकने के लिए। तो वो जो किसान रहता है, जो क्रॉफ्टर रहता है, वो उसको पॉरिज खिलाता है, यानी दलिये से बनी एक डिश खिलाता है, और उसको तंबाकू का एक टुकड़ा भी देता है उसके पाइप में भरने के लिए, और साथ ही साथ दोनों बैठ करके क्या करते हैं, एक गेम खेलते हैं, प्लेड अ गेम ऑफ कार्ड्स, यानी कार्ड्स का एक गेम खेलते ताश के पत्तों का, और कब तक खेलते रहते हैं, जब तक उनके सोने का समय नहीं हो जाता। इस प्रकार की जो मेहमानबाजी उसके साथ होती है वो कैसी थी, अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसने इस चीज़ की आशा नहीं की थी, और उसको आशा के विपरीत इतना अच्छा व्यवहार मिला, जबकि लोग उसको देख करके सोर फेसेस यानी बुरा सा चेहरा बना लेते थे जब भी वो उस फेरी वाले को देखा करते थे। तो यहाँ पर उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस किसान ने उसको देखकर उदास चेहरा नहीं बनाया, और उसको अपने घर में रहने को जगह दी, खाने को दिया, और उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Why was the crafter so talkative and friendly with the peddler? अब यहाँ पूछ रहा कि जो crafter था, वो जो किसान था छोटा, वो बहुत ज़्यादा talkative यानी बात करने वाला, बातचाल, और peddler के प्रति क्या था, दोस्ताना था, क्यों था वो, कारण क्या था? Answer: The crafter's circumstances and temperament made him so talkative and friendly with the peddler. जो क्राफ्टर के, जो किसान के जो परिस्थितियाँ थी और उसके यहाँ का जो माहौल था, जो उसका मूड था, वो सब कैसा हो गया था, टॉकेटिव हो गया था और फ्रेंडली हो गया था। किसके साथ हो गया था, पेडलर के साथ, फेरी वाले के साथ। सिंस ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड, क्योंकि इस पेडलर के वहाँ पर उस समय ना तो उसकी कोई पत्नी थी और ना ही उसका कोई बच्चा था, ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। इसलिए वो क्या, अपने अकेलेपन पे किसी को देखा कि यदि कोई उससे मिलने आया तो बड़ा खुश हो गया था कि चलो अब मेरे अकेलेपन का कोई साथी तो आ गया। सेकेंडली ही वॉज क्वाइट जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस, और दूसरी बात क्या थी, वो बहुत दयालु था और दूसरों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने पेडलर के साथ अच्छा बिहेव किया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनोर टू द पेडलर। उसने 30 क्रोनोर मतलब एक मुद्रा वहाँ की थी, 30 क्रोनोर जो थे पैसे, उसने पेडलर को क्यों दिखाए? आंसर, द क्राफ्टर हैड टोल्ड द पेडलर दैट बाय सप्लाइंग हिज काउज मिल्क टू द क्रीमरी ही हैड रिसीव्ड 30 क्रोनोर इन पेमेंट। क्योंकि क्राफ्टर ने क्या बताया कि मेरे घर में जो गाय है उसके दूध को मैं कहाँ भेजता हूँ, एक क्रीम बनाने वाले कारखाने में, और वहाँ से मुझे कितने प्राप्त हुए, 30 क्रोनोर प्राप्त हुए थे। द पेडलर सीम टू डाउट इट, लेकिन जो फेरी वाला था उसने ऐसा शो किया कि उसको शंका है कि पता नहीं इसको 30 क्रोनोर मिले कि नहीं मिले। तो उस फेरी वाले की शंका को दूर करने के लिए, इन ऑर्डर टू एश्योर हिज गेस्ट ऑफ द ट्रथ, ही शोव्ड द 30 क्रोनोर टू द पेडलर। इसलिए कि इसको फेरी वाले को शंका हो रही थी कि पता नहीं इसको मिले हैं कि नहीं, इसलिए क्राफ्टर ने क्या किए, 30 क्रोनोर जो थे उस पेडलर के सामने हिला करके दिखाए कि देखो मुझे ये 30 क्रोनोर मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्राफ्टर। क्या सच में फेरी वाले ने क्राफ्टर यानी उस किसान का विश्वास रखा जब उसने 30 क्रोनोर उसने दिखाए किसको, पेडलर को या फेरी वाले को? तो क्या उस फेरी वाले ने उस पैसों को देख करके उस किसान पर उस किसान का विश्वास बढ़ाया, क्या उसने ईमानदारी रखी? अब आंसर देखते हैं। नो द पेडलर डिडंट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्राफ्टर। नहीं, फेरी वाले ने उस किसान का विश्वास नहीं बना के रखा। एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट ही गॉट, ही स्मैश द विंडो पैन, टुक आउट द मनी एंड हंग द लेदर पाउच बैक इन इट प्लेस, देन ही वेंट अवे। उसको जैसे ही मौका मिला उसने विंडो पैन यानी खिड़की का कांच के शीशे को तोड़ा, पूरे पैसे उसने 30 क्रोनोर निकाले और उसका जो लेदर पाउच उसके पास उसी जगह पर रख दिया और उसके बाद वो चला गया। मतलब जो फेरी वाला था उसने उस क्राफ्टर के साथ क्या किया, विश्वासघात किया, उसने उसको इतने विश्वास से अपने यहाँ रहने दिया लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसके 30 क्रोनोर चुरा लिए। क्वेश्चन नंबर 7, वॉट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इनडीड फॉलन इन टू अ रैट ट्रैप।
किस चीज ने पेडलर को यानी फेरी वाले को सोचने पे मजबूर किया कि वो भी एक बहुत बड़े चूहेदानी में फंस गया है। आंसर, द पेडलर रियलाइज दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे विद द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट। फेरी वाले ने ये सोचा, जब वो पैसे चुरा लिए तो उसने सोचा कि नहीं, मुझे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैंने पैसे चुरा के अपनी पॉकेट में रखे हुए हैं, तो चोरी के पैसों को लेकर के मैं पब्लिक हाईवे से तो नहीं जाऊंगा। ही वेंट इन टू द वुड्स, इसलिए वो कहाँ चला गया, जंगल वाले रास्ते में चला गया। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वो चलता रहा और कहीं भी उसको जंगल का अंत नजर नहीं आया। Then he realized that he had fallen in the rat trap. तब उसको ये चीज़ समझ में आई कि अरे वो भी एक बहुत बड़ी चूहेदानी में फंस चुका है। He had let himself be fooled by a bat and had been caught in. उसको ये समझ में आया कि वो भी क्या हो गया है, एक बैट, बैट यानी एक जो दाना, जो फंसने का, चूहे फंसाने के लिए जो दाने डाले जाते हैं, उसी प्रकार से वो 30 क्रोनोर के दाने में फंस गया और अब वो इसके अंदर, जंगल के अंदर एक चूहेदानी की भांति चूहे के जैसे फंस चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम हाउस। अब यहाँ पर जब वो आयरन मास्टर को देखता है तो आयरन मास्टर उस फेरी वाले से बहुत प्यार से बोलता है और अपने घर आने का निमंत्रण देता है। क्यों? आयरन मास्टर भी पेडलर को बुलाता है और उसको अच्छे से बोलता है और घर आने का न्योता देता है। क्यों? आंसर, द आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोजली अप टू द पेडलर। जो आयरन मास्टर है वो पेडलर की तरफ बढ़ता है। इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही मिस्टूक द मैन एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन वॉन स्टेहले। अब यहाँ पर वो क्या करता है, जैसे ही देखता है तो वहां से जो रिफ्लेक्शन आता रहता फर्नेस से, वो भट्टी के पास से, तो उसमें उसको क्या मतलब मतिभ्रम हो जाता है कि ये जो व्यक्ति, जो पेडलर है, उसको अपने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड जिसका नाम रहता है कैप्टन वॉन स्टेहले, इसकी तरह दिखाई देता है। उसको मतिभ्रम हो जाता है पेडलर को देख के, वो सोचता है कि वो कौन है, उसके कॉमरेड कैप्टन है। ही एड्रेस द स्ट्रेंजर एज नील नाइल्स ओलाफ स्पोकन वेरी काइंडली एंड इनवाइटेड हिम होम। और वो उसको किसके नाम से पुकारता है, स्ट्रेंजर को, नील्स ओलाफ के नाम से, और उसको बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपने घर आने के लिए निमंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। अब वो जो पेडलर है वो इनविटेशन, उसके बुलाने के निमंत्रण को क्यों अस्वीकार कर देता है, क्यों मना कर देता है। आंसर, द पेडलर न्यू दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। मतलब जो पेडलर रहता है फेरी वाला, उसको ये पता रहता है कि ये जो आयरन मास्टर मुझे इसलिए बुला रहा है किसके मतिभ्रम के कारण, उसको से गलती हो रही, वो समझ रहा कि पेडलर जो है वो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड का सदस्य है, इसलिए वो उसको गलती से बुला रहा। सेकेंडली, ही हैड स्टोलन मनी 30 क्रोनोर ऑन हिम। और दूसरी बात क्या थी, तो उसने क्या चुराए हुए थे, 30 क्रोनोर चुराए हुए थे। गोइंग टू द आयरन मास्टर्स रेसिडेंट वुड बी लाइक एंटरिंग द लायंस डेन, सो ही डिक्लाइन द इन्विटेशन। अब ऐसी स्थिति में कि एक तो उसने पैसों की चोरी की है, दूसरी स्थिति कि जो आयरन मास्टर है उसको मतिभ्रम हो रहा, दोनों ही स्थितियों में उसको लगा कि यदि मैं आयरन मास्टर के घर में जाऊंगा तो कैसा होगा, किसी शेर की गुफा में प्रवेश करने जैसा होगा, इसलिए डर के मारे वो क्या करता है, उसका जो निमंत्रण है वो अस्वीकार कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलमैनसन्स इनविटेशन। अब जो पेडलर रहता है वो क्या करता है, जो एडला नाम की लड़की जो उसको इनविटेशन देती है तो उसका क्या होता है। आंसर, मिस एडला विलमैनसन लुक्ड एट द पेडलर क्वाइट कंपैशनेटली, सी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड। जो मिसेज एडला रहती हैं विलमैनसन, वो पेडलर को बहुत ध्यान से देखती हैं और वो देखती हैं कि वो कैसा है, वो व्यक्ति डरा हुआ है। She assured him that he would be allowed to leave just as freely as he came. वो उसको आश्वस्त करती है कि नहीं नहीं, तुम जैसे आए हो ऐसे ही स्वतंत्रता पूर्वक तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। She requested him to stay with them over Christmas Eve. वो उनसे विनय करती है, अनुरोध करती है पेडलर से, फेरी वाले से, कि तुम उसके साथ क्रिसमस की ईव तक रुक जाओ।
हर फ्रेंडली मैनर मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस इन हर एंड एक्सेप्ट हर इनविटेशन। और उसके इतने प्यार, इतने दोस्ताना बर्ताव के कारण जो फेरी वाला रहता है वो विश्वास में आ जाता है और एडला के जो इनविटेशन को स्वीकार कर लेता है। तो बच्चों, ये थे क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप के। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लेसन